मैंने ना वेनिला चोकोबार ट्राई किया, स्ट्रॉबेरी चोकोबार ट्राई किया, तो मैंने सोचा आज ना कुछ डिफरेंट करते हैं, आज पाइनएप्पल चोकोबार ट्राई करते हैं, वो भी दूसरे शेप में, सर्कल वाले शेप में। तो सबसे पहले मैंने डेयरी मिल्क को मेल्ट करके ना मोल्ड पे पतली सी लेयर लगा दी और फ्रीज में सेट होने रख दिया बस 10 मिनट। अब ना वेनिला आइसक्रीम को पाइनएप्पल आइसक्रीम में कैसे कन्वर्ट करते मैं आपको बताती। पहले वेनिला आइसक्रीम ले लो, फिर पाइनएप्पल के थोड़े छोटे छोटे चंक्स ले लो, और पाइनएप्पल का एग्जैक्ट फ्लेवर आने के लिए मैंने ऐड किया पाइनएप्पल का इमल्शन। आप ट्राई कर सकते हो, बहुत टेस्टी लगता है। पाइनएप्पल की आइसक्रीम हमारे मोल्ड में डाल के इसको सेट करने रख दो बस। उसके बाद ना जो चॉकलेट हमने मेल्ट किया था ना डेयरी मिल्क की, वही पतली लेयर फिर से लगा दो, स्टिक लगा दो, फ्रीज में रख दो। एक ना मेरा आइसक्रीम ना मतलब ओवरफ्लो हो गया यार, पता नहीं, इसलिए मैंने एक ही आइसक्रीम को ओपन किया और टेस्ट वाइज ना बहुत टेस्टी लग रहा था यार। पाइनएप्पल की आइसक्रीम और शेप देखो यार, कितनी क्यूट सा लग रहा है। मतलब कभी ना आपने सोचा नहीं होगा कि वेनिला आइसक्रीम को पाइनएप्पल आइसक्रीम में कन्वर्ट कर सकते। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जाना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी यार। ओके बाय।